जब हमसे हमारी आइडेंटिटी पूछी जाती है तो हम प्राउडली कहते हैं कि वी आर इंडियंस। आइए मैं आज आपको बताती हूँ कि हमारे देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा, इसे हिंदुस्तान क्यों कहते हैं। और साथ ही मैं आज आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे फैक्ट्स इंडिया की बताती हूँ जिसको सुनकर हम सब प्राउडली कहेंगे कि वी आर इंडियंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आखिर हमारे देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा। द वर्ड इंडिया इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इंडस। आपको ये पता होगा या मैं बता दूं कि हमारी जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी विच वॉज हरप्पन सिविलाइजेशन, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वो रिवर इंडस के पास ही डेवलप्ड हुई थी। और ये बहुत बड़ा कारण था क्यों हमारा देश का नाम इंडिया पड़ा। अब इसे हिंदुस्तान क्यों कहते हैं, तो जो आर्यन वर्शिपर्स आए थे हमारे देश में, जो नॉर्थ वेस्ट में सेटल हुए थे, उन्हें आर्यंस कहते हैं। वो जब आए थे तो वो उन्होंने रिवर इंडस को सिंधु के नाम से रेफर किया था, और जब पर्शियन इन्वेडर्स आए तो उन्होंने सिंधु को हिंदू के नाम से कन्वर्ट कर दिया, और जब ये सिंधु और हिंदू कंबाइन हुआ तो ये बना हिंदुस्तान, द लॉ ऑफ द लैंड ऑफ द हिंदूज। और इस तरह से हमारा नाम हिंदुस्तान और इंडिया पड़ा। अब मैं आपके उन फैक्ट्स के बारे में बताती हूँ जो इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशंस हैं और जिनके बारे में हम सबको पता शायद ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब नॉर्मली हर कंट्री एक नोमैडिक और फॉरेस्ट ड्वेलर के रूप में चल रहा था इतने सालों पहले, 5000 साल पहले, तब हमारा देश वॉज द फर्स्ट कंट्री टू लीड अ सेटल सिविलाइजेशन। हरप्पन वैली सिविलाइजेशन जो हमारी सबसे सेटल्ड सिविलाइजेशन थी वो हमारे देश से थी, और जब तक बाकी देशों में तो शायद कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, देवर जस्ट नोमैडिक यू कैन से फॉरेस्ट ड्वेलर्स। इससे साथ में बता दो, इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैज़ नेवर इन्वेडेड एनी अदर कंट्री इन द पास्ट 1 लाख ईयर्स। तो हम अकेले ऐसे देश हैं जिन्होंने कभी किसी पे अटैक नहीं किया। इससे साथ मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया का रहा है। सबसे पहले स्टडीज ऑफ एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, वे आर ऑल ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इसके साथ ही प्लेस वैल्यू सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये भी हमारे इंडिया में ही 100 बीसी में क्रिएट हुआ था, डेवलप्ड हुआ था, और यूटेन से ओरिजिनेट हुआ। जो बच्चे मैथमेटिक्स काफ़ी पढ़ते हैं उन्हें पाई वर्ड काफ़ी अच्छी तरह से पता है, एंड द वैल्यू ऑफ पाई वॉज ऑल्सो कैलकुलेटेड फर्स्ट इन इंडिया बाय बुधायना, मैथमेटिशियन बुधायना। इससे साथ मैं आपको बता दूँ, मेडिसिन में भी हमारी काफ़ी डेवलपमेंट है। सबसे पहले आपको पता होगा कि आयुर्वेदा, जो स्टडी ऑफ मेडिसिन है आयुर्वेदा, दैट वॉज इन्वेंटेड बाय आर चारकर। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेडिसिन में हमारे फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता के बारे में भी आपने ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने सर्जरी इन्वेंट की थी। इसके साथ और भी काफ़ी ऐसे फैक्ट्स हैं जिनमें से मैं दो चार आपको बता दूँ। इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। साथ ही इंडिया इन द टोटल वर्ल्ड इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। और गेम्स के बारे में भी मैं आपको एक दो चीज़ें जो बता दूँ, इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ, एक भूल गई मैं, इंडियन रेलवेज जो है दैट इज़ द ओनली लाइन और ओनली फील्ड जिसमें मिलियन ऑफ पीपल एम्प्लॉयड होते हैं, द हाइएस्ट एम्प्लॉयर। और एक मज़ेदार बात मैं आपको बता दूँ कि शतरंज चेस नाम का जो गेम है दैट ऑल्सो वॉज क्रिएटेड इन इंडिया, और उसके साथ हमारा एक बहुत फेवरेट गेम रहा है स्नेक्स एंड लैडर, That is also the creation of India, जिसे 13th century में एक poet Saint ज्ञानदेव ने originate किया था, create किया था। और snakes and ladder को शुरुआत में मोक्षपथ कहा जाता था, जिसमें जो ladder होता था that showed wisdom, और जो snake होता था that was for bad deeds। तो ये काफ़ी सारे ऐसे हमारे contribution थे जो हमने देखा, जिसकी वजह से हमें प्राउड होना चाहिए कि हम इंडियन हैं। और यही नहीं, इसके अलावा यदि आप हमारे कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो दे आर नंबर एंड नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन। मैं आज इसको समाप्त यहीं पर करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं फिर आऊँगी एक नई इतिहास की कहानी लेके, और या फिर कोई नया इन्फॉर्मेशन लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।